370 हटाना 35 से एक बार बीजेपी का पक्ष आ जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों के दिलों में कश्मीर में पहुंचना एक लड़ाई है बीजेपी के लिए। अभी भी अगर आप यहां पर नहीं जीत पाते हैं, जम्मू में आप जीत लेते हैं, और इस बार आपने सीटें भी जम्मू की बढ़ाई है ज्यादा, उनका कहना है 6 सीटें आपने वहां बढ़ाई, यहां पे सिर्फ 1 सीट बढ़ाई कश्मीर की। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो निर्दलियों वाला आरोप लग रहा है कि इतने निर्दलीय आपने उतार दिए हैं, उनमें से जीते तो उनके साथ मिलकर फिर सरकार बनाएं? देखिए, डिलिमिटेशन हमने कुछ पैरामीटर्स पे किया है, 18-18 सीटें जो है हमने वो बाइफरकेट की है। जैसे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को 18 सीटें दी है, उधमपुर को 18 कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें दी है, अनंतनाग रजौरी को 18, श्रीनगर और बारामला को 18 दी है। तो डिलिमिटेशन जो नंबर्स का गेम है वो वहां की तरफ से आप देख सकते हैं। बाकी जो निर्दलियों की बात है, जो इंडिपेंडेंस इनकी बात कर रहे हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनिक पीपल, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, दे कम फ्रॉम द ग्राउंड, दे आर वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड इन द पीपल इन द पब्लिक। अब ये लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बेसिकली एनसी के हमारे प्रवक्ता थे, ये कह रहे थे कि जब इंजीनियर रशीद को आपने जेल में डाला तो उसका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट किया, तब इन्हीं के फारूक साहब का स्टेटमेंट था कि बहुत अच्छी बात है एंड ही वाज वेलकमिंग दैट डिसीजन कि उसका फॉर्म जो एक्सेप्ट हुआ है, तो दे वर वेरी मोर देन हैप्पी। पता थोड़ी था कि वो हरा देगा बेटे को। हाँ, तभी तो फारूक साहब का भी, उमर साहब का ही स्टेटमेंट था कि वी वेलकम दैट कि दे हैव एक्सेप्टेड द फॉर्म ऑफ। मैंने कहा ना कि इनकी वजह से और निर्दलियों की बात यह है कि जब एक स्पेक्ट्रम आता है, एक पॉलिटिकल डायनामिक्स आती है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में और पॉलिटिकल अरीना में जब लोग बढ़ते हैं तो इनका ऑब्वियसली वोट कट जाता है, तो ये उससे डरे हुए हैं, दे डोंट वांट देयर चेयर्स टू लीव। अभी क्या है, इनकी जो नेपोटिज्म भतीजावाद की पॉलिटिक्स थी वो खत्म होने को आई है, इनको लग रहा है, डर लग रहा है कि मेरा बच्चा हारा है, कल को मेरा पोता हारेगा, वहां महबूबा जी को लग रहा है बिजबिहार में मेरी बेटी हारेगी, तो इट्स जस्ट यू नो जो रीजनल पार्टीज है उनकी दिक्कत छोड़िए, आपने मना लिए जितने रूठे थे, किसी को कुछ पोस्ट दिया, किसी को कुछ पोस्ट दिया, टिकट नहीं मिला, वो लड़ने आ गए, ऑफिस हो गया, लिस्ट निकाला, लिस्ट बदला, मतलब संभाल पाया नहीं संभाल पाया। ऑर्गेनाइजेशन का डे टू डे रूटीन होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, रूटीन था ये, ये रूटीन ऑर्गेनाइज, जब भी इलेक्शंस आते हैं ये रूटीन प्रोसेस होता है कि कोई नाराजगी हो जाती है, किसी का एक्सपेक्टेशंस जम्मू में बिल्कुल हुआ है, और डिसिप्लिनरी कमेटी जब भी बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई है तो बीजेपी ने अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को एक्टिवेट किया है। आई विश वैसे प्राइम मिनिस्टर अगर अभी भी कंट्री में हो, चाहे वो बीजेपी के साइड हो किसी भी पार्टी के साइड हो, वी विल लव टू ज्वाइन देम। आप उस वाजपेयी जी की बात कर रहे थे जिन्होंने रियलिटी में दिखाया कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत किस चीज को कहते हैं। बट डू यू सब्सक्राइब टू द बीजेपी गवर्नमेंट और नॉट? आप एक कश्मीर के यूथ भी है, देखिए आप इन चीजों पे पर्दा कर नहीं सकते, दुनिया जानती है, कश्मीरी आवाम जानती है, जम्मू की आवाम। अच्छा आप बताइए कि आप लोग पत्थर, सुनिए प्रभु, आप लोग 5 अगस्त में क्या था ऐसा? चलिए चलिए, आप एनसी के स्पोक्स पर्सन बताइए, आप बताइए आर्टिकल 370 में ऐसा क्या था जो आपको हिंडर कर रहा था या रोक रहा था यहाँ अमन लाने से, यहाँ सेपरेटिज्म को खत्म करने से, स्टोन बेल्टिंग को खत्म करने से और टेररिज्म का मैग्नीट्यूड कम करने से, ऐसा क्या था? क्योंकि पोस्ट आर्टिकल ही हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है क्रब हुई, इनका मैग्नीट्यूड बहुत गिर गया है। पथराव का कोई इंसिडेंस नहीं है, आपके जो सेपरेटिस्ट थे, जो आपके सेपरेटिस्ट थे, जैसे आपके जो बड़े सेपरेटिस्ट बने थे जो कॉल और कैलेंडर देते थे, वो कहां चले गए? उनको कौन सा हमने ऐसा इंस्टीट्यूशन, बीजेपी ने कौन सा ऐसा तीर बयाबान छोड़ा है कि जो उनको सबको? ठीक है, एक छोटा सा जवाब फिर मुझे उधर के वॉइसेस लेने। मैं बेसिकली जो आपने सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पुट किया कि वो आज गए कहां, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है 2014 से लेके 2019 तक आप लोग पीडीपी के साथ सरकार में थे, जो भी आपने, चाहे आपने उन लोगों को जेल डाल दिया, चाहे आपने जैसे भी कंट्रोल किया, 2018 आपने, तक। आपने वो पीरियड 2014 से 2019 में क्यों नहीं किया फिर? अगर आपको ये टैक्टिक्स 18 तक अगर आपको यही टैक्टिक्स यूज करने थे, आपने डेमोक्रेसी का जनाजा उठाया कैसे? आपने जितना काम, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वाजपेयी जी हो, आपने, मैं आपको ओपन ये बात कह रहा हूँ कि आपने उस काम पे पानी डाल दिया कैसे? आप लोगों को डरा के धमका के कभी नहीं जीतोगे, जो हमेशा वाजपेयी जी कहते थे कश्मीर। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सेपरेटिज्म की बात बताइए, आपके टाइम पे सेपरेटिज्म इतना पीक पर क्यों था वो बताइए। इन नेताओं की चर्चा चलती रहेगी, एक बार आप माइक उठाइए, आप लोग तीनों अपना परिचय देकर बताइए, नया कश्मीर बनाम कश्मीर में कुछ नहीं बदला, आप लोग कहाँ खड़े हैं? आपको लगता है कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बदल रहा है, और जो भी आप बदलाव देख रहे हो, आपके परिवार वाले बोलते हो, आपके बच्चे बोलते हो? अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में एक चीज तो बदलाव दिख रहा है साफ साफ,
क्योंकि यहाँ जो पीडीपी और एनसी की जो पकड़ बनाई थी उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स पे, क्योंकि बाकियों को ये ना सियासत में आने का मौका देते थे और ना कश्मीर के हवाले से कोई काम होता था। ये हम वसू के साथ कहते हैं आज भी, क्योंकि इनके यहाँ वो जो दुकानें इन्होंने खोली थी वो बंद हो गई, तो इनको तो दर्द होगा ही किसी ना किसी वजह से। नया कश्मीर में कुछ हुआ नहीं 370 के बाद, लेकिन इतना कुछ हुआ कि जो एनसी पीडीपी इनकी जो यहाँ चलती थी वो चीजें बंद हो गई इनकी, क्योंकि अब इनको, क्योंकि अब यूथ को ये मौका तो नहीं दे रहे अपने बच्चों को। हर कोई एमएलए जो इनका रह चुका है वो यूथ को अपने बच्चों को आगे कर रहा है, जनरली यूथ को कोई नहीं पूछा है। अब वो यूथ जब इंडिपेंडेंटली सियासत में आना चाहता है या कोई कोई कंटेस्ट कर रहा है तो इनका यही रहता है कि ये बीजेपी का एजेंट है, इसके साथ मत जाओ। लेकिन इनके बच्चे, चाहे उमर साहब के बच्चे हो महबूबा जी के, वो तो हमेशा जेड सिक्योरिटी में ही रहे। उन्होंने कभी ग्राउंड जीरो पे किसी से नहीं पूछा यार आपके दिल की हालात क्या है, किसी यूथ से नहीं पूछा। यहाँ पहले यूथ को दर्द होता था, वो उठ के गन उठाता था और आतंकवादी बनता था। अब 370 के बाद ये हो रहा है कि जब वो यूथ को ज्यादा हो रहा है तो वो ड्रग्स की ओर चला जाता है। लेकिन यूथ के साथ ना किसी, चाहे वो बीजेपी हो या पीडीपी हो, किसी ने यूथ का कुछ नहीं यहाँ सोचा और यूथ ज्यादा से ज्यादा परेशान होकर ड्रग्स की ओर जा रहा है। यही वो सेंटिमेंट है मीर फरीद, जिस पर मैं आपसे एक सवाल, उनके बाद उनको भी माइक दीजिएगा कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की लड़ाई है, लेकिन मैं जितने लोगों से बात करती हूँ वो यही कहते हैं कि बीजेपी से तो वो है ही परेशान, इट्स अ गिवन, कश्मीर में वो है सेंटिमेंट। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये दोनों फैमिलीज से भी उब गए हैं, हम इन दोनों फैमिलीज को नहीं वोट करना चाहते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंस का जीतना, उनका राइज होना, कई लोगों का सामने आकर इलेक्शन में लड़ना, ये एक बड़ा चेंज है जो हम देख रहे हैं उसकी वजह से? जी अंजना, अगर ये एक ही चीज पे फोकस कर रही है एनसी पीडीपी, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि ये जो है वोट इंजीनियर को जो पड़ा है उस पे खुश नहीं होना चाहिए, जैसे आपने भी कहा कि कहीं कट्टरपंथी तो नहीं इससे उभरेंगे, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए वोट नहीं था, ये एनसी और पीडीपी के लिए भी एक आई ओपनर था कि भाई जो आपकी सियासत है जो आप चला रहे हैं इतने साल से अब हमें वो मंजूर नहीं है। बट टू बी फेयर, दो सांसद इनके चुने गए हैं। जी जी, ऑल्टरनेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का तो स्कोर का मामला जीरो है, ऑल्टरनेटिव्स की बात है। नॉर्थ कश्मीर में ऑल्टरनेटिव उनको दिखा, उन्होंने वोट डाला। सेंट्रल और साउथ कश्मीर में अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो यानी कि फर्टाइल लैंड है नई पार्टीज के लिए, नए लोगों के लिए, युवाओं के लिए। अगर वो इस वक्त पॉलिटिक्स में आते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि उनके लिए, उनके पास कुछ नया है और उनके जो बेसिक मसले हैं, क्योंकि हम भी जब जाते थे लोग कहते थे कनेक्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इसीलिए लोग इंतजार कर रहे पर थे। लोग फीडबैक देते हैं कि कंफ्यूजन बहुत होगा, एक तो आजाद साहब की, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी, कितनी सारी पार्टियां हो गई, कितने सारे इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं, तो ये क्या कंफ्यूजन भी नहीं होगा वोटर के मन में? जी बिल्कुल, कंफ्यूजन तो है। आप अगर किसी वोटर से बात करेंगे वो खुद भी बोलता है कि इस बार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक जमाने में जितनी परसेंटेज नहीं होती थी उससे ज्यादा जो है लीडर्स हैं, उससे ज्यादा जो है लोग उठे हैं। हालांकि ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि नए नए लोग, युवा भी जो है इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, लेकिन लोग किसको चुने और कौन आगे जो है उनकी बात पहुंचाएगा और कौन सरकार बना पाएगा, तो वो एक चीज है जिसने इंजीनियर रशीद को भी काफी हेल्प की है, उसमें लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दिखा। जो भी डिबेट हुआ किसी ने विकास की बात नहीं की। गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि जो आजाद साहब ने यहाँ काम किए, किसी को भी पूछिए आप, मैं पूछना चाहता हूं हमारे एनसी के साथी हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब जो है चुनाव लड़ रहे हैं गांधरबल से, शेख साहब ने वहां चुनाव लड़ा जीते, फारूक साहब ने भी चुनाव लड़ा वहां से जीते, उमर साहब ने चुनाव लड़ा एक नहीं दो बार जीते, लेकिन गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट अगर किसी ने दिया वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया, वहां किसी ने अस्पताल बनाया वो गुलाम नबी आजाद साहब ने किया दिया। तो आज जो रिजल्टमेंट है इन रीजनल पार्टीज की कि आम लोग जो है, अभी इंजीनियर रशीद साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरा मुकाबला बीजेपी के खिलाफ है। अभी जैसे 1947 की बात करूं, 1987 की बात करूं, तो उससे पहले अगर गिलानी साहब थे वो भी तो मेन स्ट्रीम में थे, वो तो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने तो चुनाव लड़ा था। सलाहुद्दीन ने जो बंदूक उठाई है जो पाकिस्तान में आज हैं, वो भी तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी तो जो है इलेक्शन लड़े हैं। यासीन मलिक जो आज जेल में है वो भी तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे, तो किस पार्टी ने उनको मजबूर किया कि उन्हें बंदूक उठाई? तो आज आप वही चाहते हैं कि अगर ये लोग हिंसा छोड़ के
सेपरेटिज्म छोड़ के, आतंकवाद छोड़ के मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये बीजेपी की प्रॉक्सी। आप मुझे बताइए कि क्या आज गिलानी साहब को भी आप कहेंगे कि वो बीजेपी की प्रॉक्सी है? तो ये लोग अगर चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में हम आए, और हमें देखिए हार जीत चलती है, आप अपना मैंडेट मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाइए कि भाई हम ये काम करने वाले हैं आपके लिए। ये आप 370 की बात है, यहाँ कांग्रेस और एनसी के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने एनसी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 370 को वापस लाएंगे। अब इनके एमपी जो है वो सिर्फ दो हैं, 370 या तो कांग्रेस या तो बीजेपी वापस ला सकती है, एनसी के पास तो इतने नंबर्स हैं नहीं जो पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी हो। तो मैं कांग्रेस के यहाँ जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का राहुल गांधी जी अभी यहाँ आए थे, उन्होंने 370 पे चुप्पी साधी, कोई बात नहीं की। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि 370 के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ आप वादा कर रहे हैं 370 वापस लाएंगे, तो वहां से कांग्रेस कह रही है। इससे पहले कि आगा साहब इसका जवाब दें, आप दोनों कुछ बोलिए, क्या आपको भी लगता है कि आंखों में धूल झोंका जा रहा है अगर 370 और 35 वापस लाने की बात हो रही है जो इन्होंने समझाया? और आपको क्या लगता है कश्मीर बदला है? ऐसा कॉमन कश्मीरी मैं आपको कहूंगा कि मतलब आपने नए कश्मीर की बात की, नया कश्मीर की जो ये लोग कह रहे हैं कि 19 के बाद यहाँ पे नया कश्मीर है, नया कश्मीर आपके सामने है। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 45% पे है। आप ये जो टूरिज्म कर रहे हैं, हम जिस डल झील में बैठे हैं यहाँ पे आपको एक शिकारा नजर आ रहा है, हमारे जो होटल्स है वो खाली पड़े हुए हैं। हमें तो एक चीज समझ नहीं आ रहा है, मोदी जी दिल्ली से कह रहे हैं कि मुझे दिल और दिल्ली की दूरी मिटानी है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? एक स्टेप से एक साइड से आप हमें भेज रहे सजाद लोन जैसे इंसान को जो कहता है कि मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, उसके बाद जी आप अल्ताफ बुखारी भेजे वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है। ठीक है ना, आप यहाँ के लोगों के दिमागों में कन्फ्यूजन डाल रहे हो। आपका स्टैंड बीजेपी का स्टैंड क्लियर है ही नहीं, उनकी पॉलिसी क्लियर है ही नहीं। अगर बीजेपी ने 19 के बाद कोई अच्छा काम यहाँ पे किया वो यही किया, अपने लोगों को एम्पावर किया। आप देखोगे जिन लोगों के साथ, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, जिनके साथ लोग होते हैं वही पॉलिटिक्स में होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बीजेपी का कोई भी लीडर हो जिसके साथ 10 बंदे भी नहीं, लेकिन उसके साथ डबल एस्कॉर्ट आपको जरूर मिलेगा, वो एक सरकारी रिहाइश में बैठा है, बस ये सारी अचीवमेंट्स इनकी है। बीजेपी ने सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आप बिजनेस का क्या करेंगे, इकोनॉमी का क्या करेंगे, आप आर्टिकल्स का क्या करेंगे जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे? ह्यूमन लाइफ को सेव करना, एक पूरी सोसाइटी को, एक पूरे स्टेट को, उसकी जान को महफूज करना, माल को महफूज करना, दैट इज अ बेसिक एंड प्राइम पैरामीटर ऑफ एनी गवर्नमेंट। अगर आप एक प्राइम पैरामीटर मिस आउट करते हैं जहां पे आपका बच्चा जाता है पढ़ने जाता है और पलट के साथ वापस आता है, अगर आप वो मिस आउट कर रहे हैं तो आपको वो वाली गवर्नमेंट चाहिए जहां आपका बच्चा जाता है और मर के वापस आता है। जो आप वो मिस आउट करें कि माँ अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रही है, 30-30 दिन खाली साल में, साल के 300 दिनों में खाली 30 दिन आपका बच्चा जाता है, और आप सो कहते हैं कि भाई नेशन वाइड प्लेटफॉर्म से कंपीट करे या ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कंपीट करे क्योंकि उसकी इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ गई होती है। तो हमारी तो वही बेसिस रही ना, पीडीपी के साथ 24 में क्या बदला है? हमारी जो बेसिस बंद जो हमारी डिफरेंसेस रही आप लोगों के लिए, महबूबा मुफ्ती आज आपके अगेंस्ट हो गए, आप उनके अगेंस्ट हो गए, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ सरकार शेयर की। 15 पार्टीज में बोलिए इनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है और हम खुले घूम रहे हैं, यही सिक्योरिटी इन्होंने बताई, यही इन्होंने बताई। ये इक्का दुक्का है आपके जो प्रॉक्सी ABCDT टीम के जो हल्का प्रेसिडेंट है उनके पास सिक्योरिटी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एक पार्टी का, 50 बार मैंने किया, मैं क्या मेरी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है? तो ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन, मैं आपसे सहमत हूँ जो आपने बोला, पॉलिटिकल कंफ्यूजन इतना क्रिएट किया गया वोटर्स में। चलिए अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स एक एक लेते हैं, जिसके साथ शुरुआत करेंगे, आपके साथ करेंगे। महबूबा जी पूरे दल से चुनाव लड़ रही है, कर क्या रही है, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पीडीपी के बिहाफ पर जनता को? डल झील का किनारा है, मतलब बीचों बीच हम है, शाम का पहर है, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? 2019 के बाद भाजपा की ये कोशिश रही है कि पीडीपी टोटली डिसिमेट हो जाए, और इसमें वो कामयाब भी हो गई है। हमारे 40 से ज्यादा लीडर जो है उनको प्रेशर किया गया और उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया,
कि जब उनको लगा कि उनके प्रॉक्सीज काम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोज हो गए, तो उनने खुले आम अल्ताफ बुखारी साहब का नाम लिया, उनने खुले आम सजाद लोन का नाम लिया। उनका वो नाम नहीं ले रहे हैं जो उनके प्रॉक्सीज है, मगर उनको लगता है शायद ये तीर उनका चल जाएगा, लेकिन जब वो भी नहीं चलेगा, वक्त आने पर उनको भी एक्सपोज किया जाएगा। छोटे छोटे कमेंट्स जल्दी से माइक दीजिए फिर निजामी साहब। ये गिमिक ज्यादा टाइम रहने वाले है नहीं। 370 कैसे वापस आएंगे वो तो बताया नहीं आपने। अक्टूबर का आप वेट कीजिए। बहुत से इंडिपेंडेंट लोग जो है चुनाव लड़ते हैं और हार जीत, अभी इंजीनियर रशीद साहब को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो जेल में थे, तो सेंटीमेंट कश्मीर के लोगों का उनके साथ था। अभी इलेक्शन का रिजल्ट सामने नहीं आया है, तो एनसी का नतीजा सामने आएगा, कौन कौन सेंटीमेंट के साथ है, कौन प्रॉक्सीज के साथ है। कहीं ना कहीं यहाँ के यूथ को ये धोखा में रख रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी हमें ये कहिए 1990 से 2019 तक हमारे जवानों को आशुरा तक जेल में रखा जाता था, 8 मुहर्रम को अरेस्ट करते थे, और जिसमें उसमें ज्यादातर कोई लड़का ना रहा था उसके खिलाफ एफआईआर लगता था। अभी भी हमारे 100 लड़कों पे एफआईआर है, आज तक इन पार्टियों ने कभी नहीं किया। क्या आजाद साहब की हुकूमत नहीं थी? आजाद साहब सीएम नहीं थे? मुफ्ती साहब सीएम नहीं थे? उसकी बेटी सीएम नहीं थी? फारूक साहब सीएम नहीं थे? हम चले गए, हर किसी के पास गए, लेकिन हमारे मुहर्रम प्रोसेशन को किसी ने इजाजत नहीं दी। कांग्रेस का क्लियर एक विजन है, क्या हमने मोहब्बत की दुकान खोली है? इस मोहब्बत की दुकान में 370 है या नहीं है? 370 हमने क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले कांग्रेस का जो एटीट्यूड होगा वो स्टेटहुड को लाना होगा, बिल्कुल। और 370 को नहीं छुएंगे, वो गया। 370 दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। व्हेनेवर एनी बॉडी एनी दिस पार्टी विल गेट द मेजोरिटी, ये कौन सी बड़ी बात है? अब्दुल्ला साहब 2 सीट से लड़ रहे हैं, लड़ने दो, 4 सीट से लड़े, उनको सीएम बनाएंगे ना आप, यही सोच रहे होंगे ना? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस का बनेगा ये, इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी पार्टी आएगी इसमें पावर में, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बंदे को हम। बीजेपी क्या सोच रही है, क्योंकि आप जम्मू और इंडिपेंडेंस के भरोसे, ऐसा आरोप है इनका। इंडिपेंडेंस के पोस्ट नहीं, हमने यहाँ अपने 19 कैंडिडेट्स उठाए हैं, अपने 19 रिप्रेजेंटेटिव जो है 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ेंगे। मेरा बस कंक्लूडिंग रिमार्क ये रहेगा कि कुछ पैरामीटर्स को देखिए, उस पर वोट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके बच्चों की जाने, उनकी आंखें, कहीं ऐसी गवर्नमेंट को फिर से चूज ना करे जो आपकी बच्चों की जाने ले या उनकी आंखें ले, और फिर उनके ऊपर उनको बाद में जाके किसी का सहारा लेना पड़े आगे चलने के लिए। कश्मीर की जनता ऐसे सोचती है, जो ये सिक्योरिटी सुरक्षा उसकी बात कर रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क दो लाइन। कश्मीर की जनता, बस देखिए, आम इंसान को हर जगह, दिल्ली में हो, साउथ में हो, यहाँ हो, कुछ चीजें चाहिए। एक डिग्निटी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। जनता यही मांगती है कि जो लाशों की सियासत है वो बंद कर दीजिए। अमन और तरक्की के राह पर चलने को बेताब, उसकी लहरों पर सवार होने को बेताब जम्मू कश्मीर, जो अपने मत से अपना मुकद्दर तय करने को तैयार है। इसी के साथ डल झील से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। इतना खूबसूरत नजारा है उधर दिखाते हुए अलविदा कहते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर हल्ला बोल में शामिल हुए।